बढ़ती ठंडक को देखते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी द्वारा सुरक्षित नींद सबके लिए अभियान का तहत सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में 8 स्वयंसेवकों के साथ 8 ई रिक्शा को एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी ई रिक्शा महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तथा आसमान के नीचे सो रहे लोगों को रैन बसेरा तक पहुँचाने का काम करेंगे, जिससे किसी भी व्यक्ति की ठंड से मौत न होने पाए। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बढ़ते ठंडक को देखते हुए संस्था द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जिससे सड़क के किनारे या खुले आसमान के नीचे सोने वालों को रैन बसेरों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा तथा वहां पर उन्हें उचित व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, जिससे वे सुरक्षित नींद पूरी कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था के सिटी कोऑर्डिनेटर पवन कुमार श्रीवास्तव, डूडा के परियोजना अधिकारी विकास सिंह और एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, तालियों से साथ इनका सभी सोसाइटी द्वारा गोरखपुर में स्लम एरिया में सतत शहर नामक परियोजना चलाई जा रही है। उसके तहत हम लोग जो भी वंचित समुदाय है, ये देखते हैं कि अच्छा उनको मुख्य धारा में कैसे शामिल करना है। तो ये जब जाड़े का समय होता है तो अक्सर आप देखते होंगे न्यूज़ आता है कि अच्छा खुले में सोने की वजह से ठंड से किसी की मौत हो गई। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब जीवन का अधिकार सबके लिए है तो एक सुरक्षित नींद भी सबके लिए। जब आप रोड पे सोते हैं तो तीन तरह के खतरे होते हैं, एक तो आपको एक्सीडेंट का भी संभावना होता है, दूसरा कोई कीड़ा मकोड़ा के कट सकता है, तीसरा कि आपको जो है ठंड से भी आप मर सकते हैं। तो हम लोगों ने पूरे शहर को 8 क्लस्टर में बांटा है और 8ों क्लस्टर के लिए 8 वॉलंटियर के माध्यम से 8 ई रिक्शा 20 दिन के लिए हम लोग ये एक तरह से पायलट के रूप में स्टार्ट कर रहे हैं। ये रोज रात को 8 बजे से 10 बजे तक उन क्षेत्रों में रहेगा। हर रैन बस ऐसे ये संपर्क है, तो जो भी इस तरह का मिलेगा, हम लोग दो मोड पे इस पर काम कर रहे हैं कि जो बेघर है उसको ये रियलाइज कराना कि रैन बसेरा उसका राइट है, उसका हक है। वो ऐसा नहीं कि सोचे कि हम वहाँ पर कैसे जाएं, तो उसको भी जागरूक करेंगे और उसको उसके साथ उसको रैन बसेरे तक पहुँचाएँगे। और रैन बसेरे में अगर कुछ समस्या आ रही है तो हम लोग उसको भी सोचेंगे कि अच्छा कैसे उसको हल किया जा सकता है, जिसके लिए आज हम लोग जो है सेफ स्लीप फॉर ऑल, सुरक्षित नींद सबके लिए अभियान शुरू किए हैं, जिसका एडीएम विद फाइनेंस उन्होंने जो हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी खुले में अगर देख रहा है तो हमारे हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकता है और या तो वो जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी बता सकता है और हमारी टीम वहाँ पर, रेस्क्यू टीम वहाँ पर जाएगी और उस बेघर को जो है रैन बसेरे में रखेगी। रैन बसेरा केवल रात में सोने के लिए नहीं है, वो 24 घंटे रह सकता है। बहुत सारे लोग रात में काम करते हैं तो उनको दिन में सोने के लिए, तो हम ये एक एहसास कराना चाहते हैं कि जो शेल्टर होम है वो 24x7 उन सभी के लिए जो होमलेस हैं। धन्यवाद। इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी द्वारा ये बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इसके लिए इनिशिएट लिया और वो बराबर जब से शीतलहर जारी हुई है, चालू हुई है इधर, तो बराबर इस पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने खुद भी निरीक्षण किया था और सारे जो उच्चाधिकारी हैं सभी लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं। उसी क्रम में ये सुविधा आज से चालू की गई है और ये फ़ोन नंबर्स भी जारी कर दिए जाएंगे। 8 रूट इनके डिसाइड हैं, करीब 10 जगह हमारे रैन बसेरे हैं, तो उन सारी जगहों पे मेन जो चौराहे हैं या पुल के नीचे फ्लाईओवर्स पे जो लोग सड़क वगैरह पे इधर उधर सोते हैं या जानकारी का अभाव है, तो ये गाड़ियां उनको लेके रैन बसेरे तक पहुंचाने का काम करेंगी। और मैं समझता हूं कि इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट, अगले 1-1.5 महीने जो शीतलहर का समय है तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम गोरखपुर बोल रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर और सुरक्षित नींद सबके लिए ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आपका अपना एक
प्रयास है, स्वतः स्फूर्त प्रयास है, जिसमें आपकी कार्य योजना ये है कि अगर सड़क पर कहीं कोई बेसहारा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो फुटपाथ पर सो रहा है, उसको सीधे अपने, इन्होंने अभी आज 8 बैटरी रिक्शा रवाना किए हैं। इनका कार्य ये रहेगा कि उनको जो भी व्यक्ति फुटपाथ पर कहीं सो रहा है उसको वहाँ से उठाएंगे। और हमारे यहाँ 10 से अधिक और पर्याप्त क्षमता के रैन बसेरे हैं जो डूडा के माध्यम से संचालित हैं, नगर निगम के माध्यम से संचालित हैं। वहाँ पर निःशुल्क रहने का, रात्रि में सोने का, सुबह दैनिक क्रियाएं करने का पूरा प्रबंध है। मेरा अनुरोध है, जो लोग भी ये वीडियो सुन रहे हैं उनको प्रेरित करें, जो सड़क के किनारे सोते हैं और वे रैन बसेरों में जाकर रहें, साफ़ सुथरे रहें और अच्छे ढंग से रहें, अच्छी नींद लें। धन्यवाद।